तो आप लोग हमारा थंबनेल देख के पहचान गए होंगे गाइस, आज हम आए हैं बिल्कुल घने जंगलों में। तो पीछे बिल्कुल घना जंगल है, जैसे कि हॉलीवुड मूवी में होता है ना, मूवी देखते हो हॉलीवुड, जंगल रहने वाला है बिल्कुल डेंजर जैसा। तो हम यहाँ पे कुछ काम से आए थे गाइस, बट स्टोरी कुछ और ही क्रिएट हो चुकी है। क्या स्टोरी क्रिएट हुई है आप लोगों को लगेगा ब्लॉग में पता है। तो प्लीज कीप वॉचिंग गाइस, लाइक शेयर कमेंट और चैनल को गाइस कर देना सब्सक्राइब, ऑल घंटी को कर दो ऑल पे सेट। तो जब भी हमारा ब्लॉग आए तो आपको पता लग जाएगा। जी गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। तो कैसे हैं सारे? तो गाइज आज इस ब्लॉग में तुम्हारा भाई अभी तो जा रहा है यार, ड्राट है भाई के हाथ में आज से होने वाला है गाइज कांड तगड़े वाला। ठीक है, थोड़ा फोकस कम जा रहा है गाइज मेरा कैमरे में, बिकॉज रास्ता थोड़ा ख़राब है ना, तो इसीलिए रास्ता देख के चलना पड़ेगा। और आई होप गाइज आप लोगों को ये ब्लॉग खतरनाक वाला पसंद आने वाला है, मस्त तरीके का बनने वाला है आज का ब्लॉग। ठीक है, और आज गाइज आज लक्ष्य को छुट्टी है, देखो लक्ष्य भी अपने साथ है। हेलो लक्ष्य। आज हम जा रहे हैं घास लाने के लिए, काफी दूर घर से कम जाएंगे आज हम 2 किलोमीटर दूर, वो भी बिल्कुल डाउन में। और रास्ता रहेगा बिल्कुल सकरा सकरा, मीन्स ऐसे पूरा खतरनाक वाला रास्ता। तो मैंने लक्ष्य को सजेस्ट किया था कि तू शूज लेके चल, बट ये शूज लेके नहीं जा रहा गाइस, चप्पलें लेके जा रहा है आज तो भी, इसलिए जा रहे गाइस बिकॉज यहाँ पे ना देखो चारों तरफ तो आग लग चुकी थी, ये सामने वाला जंगल भी, यहाँ पे तो वैसे हमारा काम कुछ है नहीं, घास में तो हमारे घास की साइड को है, ये देखो ये चेक करो आप, सारे आग लग चुकी है गाइस। तो इसलिए गए था भाई हमें जहाँ पे आग नहीं लगी हुई थी, वहाँ पे एक दो पेड़ हैं जहाँ पे हरा चारा है, डालियाँ हैं हरी हरी डालियाँ, वहाँ पे जाके वहाँ से लेके आनी पड़ेगी डालियाँ। तो जा रहे हैं पिया मम्मी लक्ष्य और मैं गाइस। पानी किस लिए लक्ष्य है, किस लिए है? काफ़ी नीचे है, अभी बहुत दूर है 2 किलोमीटर मान लो आप, उतराई में जाते बार फिर भी इतना पता नहीं चलेगा, बट जब चढ़ाई होएगी ना और ऊपर होएगा वेट, मम्मी के और पिया के ऊपर घास का वेट और मेरे ऊपर और लक्ष्य के ऊपर हरी डाली का वेट, दोनों का तो मैं नॉन स्टॉप ऊपर चढ़ा था, बस एक बार यहाँ रुका फिर नॉन स्टॉप ऊपर, नॉन स्टॉप तो नहीं हुआ, मासी से पूछ लो, मासी से पूछ लो, फिर वो नॉन स्टॉप तो नहीं हुआ, बस दो बार, एक बार यहाँ रुका, एक बार आप दो बार पे आ गए, अरे बस दो बार रुका यार, फिर ना मासी ने अभी से बोला नॉन, सबसे पहले गाइस लक्ष्य की लाइन थी नॉन स्टॉप में घर तक गया, उसके बाद बोले एक बार बस यहाँ पे रुका फिर नॉन स्टॉप, अब एक बार बोले यहाँ पे रुका फिर वहाँ पे रुका फिर नॉन स्टॉप, अरे सही में मैं नॉन स्टॉप ही गया था। अगर जहाँ से तूने घास उठाया था ना और वहाँ से बिना रुके, आप बिना रुके और सीधा ओबरे के पास तू जाता है तो फिर वो नॉन स्टॉप होता है गाइस। एक बार पता क्या हुआ था, भाई के पास डॉगी था, कुत्ता भी है और के पास, तो वो आ गया होगा सुबह सुबह से सैर करता हुआ शिकार करता हुआ, और यहाँ पे ना मतलब जो होती है ना तार लगाई हुई थी और इस तार में वो फंस गया गाइस, और बेचारा फिर हम आए थे छुड़ाने के लिए उसको, फिर हमने छुड़ाया उसको, बट ये शुक्र ये रहा कि यार उसने काटा नहीं हमें, अगर वो काट लेता ना तो भाई साहब जाना पड़ता और मेडिकल करवाना पड़ता और इंजेक्शन लगवाने पड़ते, तो बथेरे से अपे पड़ जाते फिर तो यार, दिक्कत हो जाती। हाँ फंस गया था इसमें जंगली कुत्ता, कपड़े भी आगा, अच्छा कपड़े भी आगा, अच्छा इसका बोलू गया हूँ, अच्छा ठेप भी समझाऊँ, ये भी समझो ना, माखे लगो माखे लगो। अभी गाइस देखो टेलीफोन के कभी खंभे हुआ करते थे, जिससे कि जो लैंडलाइन वाले जो नंबर होते थे उससे संपर्क, तो इससे संपर्क था उसका, मतलब ये वायर वगैरह उसमें यूज़ होती थी, बट अभी ना वायर रही है, सिर्फ खंभा खंभा रह चुका है। अभी सबके पास यार तकरीबन हर एक मेंबर, एक फैमिली में यार हर एक मेंबर के पास फ़ोन है ना, तब से ये जो टेलीफोन वगैरह होते थे लैंडलाइन वाले नंबर जो होते थे सिंपल फ़ोन, वो भी बंद ही हो गए, कहीं पे भी देखने को बहुत कम शम मिलता है गाइस। जैसा है कि अब मोबाइल में हर एक फैसिलिटी मिल रही है, इंटरनेट मिल रहा है, तो सोशल मीडिया के साथ बंदा कनेक्टेड है, तो उस करके अब लोगों ने ना वो फ़ोन यूज़ करना बंद कर दिए। पहले तो नहीं यार ऐसा, पहले तो गाइस ऐसा हुआ करता था कि अगर मोबाइल फ़ोन होते थे तो एक फैमिली मेंबर में जैसे 8-9 जने एक फैमिली में, तो एक ही बंदे के पास फ़ोन हुआ करते थे और फिर वो लैंडलाइन के नंबर पे संपर्क कर किया करते थे एक दूसरे से, बट आज के टाइम में हर एक बंदे के पास फ़ोन है। लक्ष्य के पास भी गाइस कम से कम कुछ नहीं तो एक फ़ोन भी नहीं है अभी,
इसके काम आ सकता है जो उसका नंबर है 0-17-92 ऐसे था गैस कुछ जो गैस मैं सोच रहा हूँ कि लक्ष्य को दे देता हूँ वो फ़ोन जो घर पर रखा हुआ वैसे ही है ना लक्ष्य तो रख ले उसको बड़ा सा वायरलेस है उसमें पीछे वो लगती थी क्या नाम टावर के लिए टावर जैसा होता था एक छोटा सा पीछे सिग्नल के लिए उसका रिचार्ज होता है वो रिलायंस कंपनी का है उससे पहले भी था जो लक्ष्य बता रहे ना गैस एक जो ये वायर मैंने आपको दिखाई जो उसमें लगती थी वो तो बिल्कुल ही सिंपल हुआ गया था ना उसके बाद और लिया था हमने थोड़ा स्टाइलिश था वो लक्ष्य को दे दूंगा गाइस मैं उसको ना क्योंकि लक्ष्य अभी इंटरनेट वगैरह कुछ चलाता नहीं है इसने लड़कियों से बातें करनी होती है और डायरी रख लेगा एक जेब में डायरी में नंबर लिख लेगा लड़कियों के और करता रहेगा फ़ोन बारी 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 हीना मीना टीना शीला मुन्नी मुर्गी नंबर एक मुर्गी नंबर दो ऐसे करके पहुँचने वाले हैं गाइस अभी भी नहीं पहुँचे हम अभी तो काफ़ी दूर है अभी तो दूर है वो देखो गाइस यहाँ पे चील का पेड़ गिर गया यार देखो गाइस आग लगने के बाद क्या चक्कर होता है एक तो पूरा जंगल ख़राब हो गया ठीक है और नीचे धरती गर्म होगी धरती भी गर्म होगी उसके बाद एक और नुकसान होता है हाँ वो तो सब कुछ कंप्लीट कर लिया मैंने जानवर इतने मरे वहाँ वो भी वो सबसे मेन तो वही है ना बट एक और नुकसान होता है गाइस नुकसान ये होता है ना देखो जैसे कि यहाँ पे रास्ता था यहाँ पे रास्ता था ठीक है और कोई अनजान बंदा आएगा तो उसको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे रास्ता था है ना पॉइंट सही बुरा ना गाइस नहीं चलेगा गाइस पता भटक जाता लक्ष्य तू फर्स्ट टाइम अगर इस रास्ते से आता ना तुझे पता नहीं चलता कि यहाँ पे रास्ता भी था रास्ता तो लक्ष्य जैसे जो तटड़े होते हैं तटड़ वो गिरने का डर होता है उनको ऊपर से कांटे इनसे बच के जाना पड़ता है और इसी के साथ हम लोग पहुँच गए हैं ये देखो नीचे जो हर कर का से काटा हुआ है ना घास यहाँ पे देख रहा हूँ येलो सी शेड में दिख रहा है आपको थोड़ा थोड़ा तो वहाँ पे जाना है गाइस अभी हमें हमारे घर पता कितने ऊपर है बहुत ऊपर है गाइस आप सोच रहे होंगे कि ये 2 किलोमीटर तो लगा नहीं सड़क भी है यहाँ पे नो डाउट तो गाइस आप लोगों को लग रहा होगा कि ये 2 किलोमीटर तो है नहीं बट गाइस उतराई में और चढ़ाई में चढ़ने में बहुत ज़्यादा फर्क होता है आई नो आप लोगों को पता होगा यो यही होता है गाइस यहाँ पे सड़क निकली हुई है बढ़िया वाली नीचे गाँव है ना तो सड़क निकली हुई है घर घर तक फैसिलिटी तो सारी है गाइस ओनली दिक्कत है सिर्फ एक बात की है हमारे गांव में सिर्फ पानी की समस्या है अदरवाइज कोई समस्या नहीं है मम्मी पता नहीं कहाँ से जा रहे हैं कहाँ से उतरेंगे गाइस ये सबसे रिस्की भरा रास्ता होगा गाइस अभी मैं नीचे उतर के दिखाता हूँ आपको लक्ष्य ड्राफ्ट ले ले हाँ कैमरा मैन रुक जाओ गाइस पहले तो मेरे को यहाँ से उतरना पड़ेगा गाइस मैं तो उतर जाऊँगा बट मम्मी के टांग जो पैर में चोट लगी हुई ना मम्मी जरा वेट करना हम आपको दिखाएंगे आप कैसे उतरेंगे गाइस मेरे को ध्यान से उतरना पड़ेगा मैं बेसिक गिर जाऊँ बस फ़ोन नहीं करना चाहिए ठीक है देखो गाइस लक्ष्य तू तो तू थोड़ी देर बाद उतरे ठीक है फिर मम्मी ध्यान से उतरना बहुत मुश्किल है काफ़ी मुश्किल भरा रास्ता है गाइस देखो चेक करो आप कैसे उतरेंगे मम्मी एक तो मम्मी के ना पैर में चोट कौन से पैर में लगी मम्मी गजब बेइज्जती है इस वाले यार भैया ड्राट लो लेफ्ट वाले में लगी हुई है पकड़ने जाना पड़ेगा गाइस पकड़ने जाना पड़ा इसका पैर इसका पैर पकड़ना राम से राम से राम से राम और राम से राम और राम से राम 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 गाइस काफी मुश्किल है थैंक यू ना बात कर देगा मैं ना तेरे को गाइस अब लक्ष्य कैसे उतरे देखते हैं गाइस लक्ष्य अभी कैसे सामना करता है इस खड़ी चट्टान का अभी लक्ष्य के उतरने की बारी है लक्ष्य आराम से उतरियो यार माता जी जवान हड्डियां जवान हड्डियां उतर जा ओ भाई ले रसी तो मम्मी के पास है ना तो चलो अभी हमने खड़ी चट्टान का सामना करते हुए गाइस अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं उतरी गए कैसे भी करके है ना बस मम्मी को थोड़ी दिक्कत हुई अगर चोट नहीं होती ना मम्मी के पैर में उतर जाएगा ना बट मम्मी के पैर में चोट नहीं लगती ना तो मम्मी भी उतर जाते पर जाएंगे कैसे यार हर चारा लेके यहाँ से किसी और रास्ते जाना यहाँ से नहीं जाता मैं एक हाथ से पकड़ूंगा और यहाँ से एक हाथ से जाएगा ट्रैक्टर है ना ट्रैक्टर क्या था वासी कमेंट करो गाइस जिस जिसको पता है ट्रैक्टर का मींस तो लक्ष्य को मैं बता दूंगा आपकी कमेंट बता दूंगा
बाकी गाइस ये रोड तो आगे तक जाता है, बस लास्ट एंड गांव तक है, बाकी ये वाला रोड ऊपर तक। अगर गाइस आज ना नवीन बाजार चला गया, अगर नहीं जाता ना तो एक्टिवा रहती, तो मैं और लक्ष्य, तो लक्ष्य का तो कोई पता नहीं गाइस, बट मैं एक्टिवा पे लेके चला जाता हरा चारा। वैसे लक्ष्य को अब रखना पड़ना था गाइस मेरे को अपने साथ, पता क्यों, बीच बीच में कहीं एक्टिवा नहीं चढ़ती तब तो लक्ष्य काम आ जाता, लक्ष्य धक्का दुक्का धक्का लगा देना था यार। पहुँच ही गए गाइस। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं, ये अपने खेत रहे, नीचे वाले खेत हुआ अपने हुआ करते, एक दो तीन और एक नीचे भी है, खड्ड में भी है खेत, चार खेत है ना। और ये मम्मी पानी का नाला दिखाने के लिए बोल रहे हैं आपको, तो पानी का नाला भी आप लोग चेक कर लो गाइस, जहाँ पे कि गाइस काफ़ी ज़्यादा पानी तो नहीं है, बट गाइस थोड़ा ये व्यू ना गाइस कुछ इस टाइप का लिख रहा है ना। लक्ष्य लक्ष्य देख, कम ऑन गाइस, ये व्यू पता कैसा लग रहा है। हाँ लक्ष्य इसको टच ना कियो, डोंट टच दिस, क्योंकि ऐसा है ना कि हमारे पहाड़ों में यार ये टूट के ना बहुत ज़्यादा चलते हैं, हद से ज़्यादा टूट के करते हैं लोग, और ये जो पानी के पास हो बहुत ही ज़्यादा करते हैं, तो जो ग्रह वगैरह होता है, जैसे लक्ष्य को कोई ग्रह हो तो बंदा यहीं पे उतार के चला जाएगा उसको ना, नारियल का गुट चढ़ा के चला जाएगा। सीरियसली गाइस आई डोंट फनी, ठीक है, आई डोंट कमेंट, कॉमेडी। अरे कहना क्या चाहते हो गाइस, कमेंट्री में ऐसे नहीं कर रहा हूं गाइस, रीजन होता है इसके पीछे। तो चलो गाइस अभी हम थंबनेल के लिए फोटो वगैरह ले लिए, अभी गाइस काम करते हैं शुरू, हरा चारा काट रहे थे सबसे पहले तो। सो गाइस पशु का चारा हो चुका है कंप्लीट, अभी चलते हैं हम लोग घर, मम्मी ने उठा लिया भोजन, और अभी लक्ष्य की बारी है, लक्ष्य के लिए भी है थोड़ा सा, और पिया के लिए भी है, और मेरे लिए अभी चढ़ते गाइस, चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी 2 किलोमीटर कम से कम, तो चलो लेट्स गो, चलते हैं फटाफट से।